क्लास एट फ्रॉम कोर्डोवा, चैप्टर 12, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, एक्सरसाइज 12.2, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट सेकंड है, इसे आज एक्सप्लेन करते हैं। इन पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, अगर पैरेललोग्राम की आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है तो आप कोई भी क्वेश्चंस को क्लियरली सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, इसलिए आपके पास प्रॉपर्टी ज़रूर होनी चाहिए, ये बात याद रखिएगा। तो हमने फर्स्ट वीडियो में फुल एक्सप्लेनेशन किया है कि आपका पैरेललोग्राम कैसे बना, कैसे दो लाइन से बने, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे फिर भी हम रिपीट कर दे रहे हैं, अगर पैरेललोग्राम है तो उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी 4 है, जो आपके हर एक क्वेश्चन में अप्लाई होगी। फर्स्ट है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी अपोजिट जो साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। दूसरा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी एंगल बी एंगल डी की इक्वल होगा, एंगल ए एंगल सी की इक्वल होगा। क्लियर। डायगोनल बाइसेक्ट, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यानी जो डायगोनल्स आपको दिख रहे हैं बी डी और ए सी, ये जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं उसे इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये देखिए, जैसे 10 सेंटीमीटर है बी डी, ठीक है, तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 होगा। अगर ये 12 सेंटीमीटर है तो ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। क्लियर। ये आपका थर्ड नंबर, और सबसे ज्यादा यूज थर्ड और फोर्थ का ही होता है। सम ऑफ कोइंटीरियर एडजेसेंट एंगल, कोई भी दो एडजेसेंट एंगल ले लीजिए। कहने का मीन्स है कि अगर आपके पास पैरेललोग्राम है तो ये कोना ये कॉर्नर ले लीजिए, 180 डिग्री होगा, ऐड करेंगे। ये कॉर्नर ऐड कर लीजिए, 180 डिग्री होगा। ये कॉर्नर ऐड करेंगे तो भी 180 डिग्री होगा, और ये कॉर्नर ऐड करेंगे तो भी 180 डिग्री होगा। देखिए, हमने सभी कॉर्नर को यहाँ पे बताया और 180 डिग्री होता है। तो चारों आपको अगर समझ में आ गए तो ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे क्वेश्चन नंबर 6 को अब सॉल्व करते हैं। हमें फाइंड करना है एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। आपके पास ये डायग्राम है, हम फिर भी बना लेते हैं। ये आपका डायग्राम हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये पैरेललोग्राम है, ये पी एस यानी पी क्यू आर एस। क्लियर। अब ये जेड, ये आपका यहाँ पे एंगल है 110 डिग्री, और ये एक्स है। और बहुत इजी मेथड से हम समझाएंगे, जिससे आपको बिलीव नहीं होगा कि सर कैसे कंप्लीट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आपका W है, और हमें बाहर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कोई भी एक्सटर्नल वर्क भी करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ प्रॉपर्टी में ही रहेंगे। अभी हमने आपको प्रॉपर्टी 4 बताए, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, भाई ये साइड की इक्वल होता है, तो यहाँ साइड की तो बात ही नहीं है, एंगल एंगल है, तो चलिए एंगल ही बात कर लें। तो अपोजिट एंगल तो इक्वल होते हैं, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इसका मींस क्या हुआ कि जो एस है वो जेड के इक्वल होगा। तो आप यहां पे लिख लीजिए एंगल जेड इज इक्वल टू एंगल एस। देखिए, इसके अपोजिट ये हुआ, तो एंगल जेड इज इक्वल टू एक्स, एस कितना है 110 डिग्री, हो गया सिंपल। देखिए, थर्ड नंबर प्रॉपर्टी हुआ कि नहीं हुआ, हमने आपसे पहले ही, देखिए लास्ट वीडियो में हमने टिक करके रखा है कि थर्ड और फोर्थ ही पूरे पैरेललोग्राम को संभालते हैं, ठीक है। अब आपका थर्ड ये हो गया ना, मतलब हमने क्या फाइंड कर लिया, जेड फाइंड कर लिया। अब आप एक्स में जाना चाहते हैं तो एक्स में चले जाइए। हमने आपसे क्या बताया था कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, कोई भी कॉर्नर ऐड करिए, ये कॉर्नर या ये कॉर्नर 180 होता है। फिर आप लिखिए, यहाँ पे हम कर लेते हैं सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। अब जो भी दो एंगल आप ले लीजिए पास के, देखिए जेड भी फाइंड हो गया, एस भी फाइंड, वो तो ऑलरेडी गिवन है। अगर आप इनके दोनों करेंगे तो एक्स मिलेगा, इन दोनों करेंगे तो वाई मिलेगा। देखिए, एक बार में सब आंसर हो गए, तो यहाँ पे लिख लीजिए एंगल एक्स यानी एंगल पी प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। पी का तो एक्स है, एंगल एस कितना है 110 इज इक्वल टू 180। सो एक्स इज इक्वल टू, ट्रांसफर कर दीजिए 110 को, कितना आ गया 70 डिग्री, या आपका आंसर हुआ। तो 70 ये हुआ।
अब दूसरी बात वही आ गई, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो आपकी मर्जी, आप चाहें तो एडजेसेंट यहाँ भी लगा सकते हैं। चलिए एडजेसेंट से प्रूव कर देते हैं, ये 70 है तो ये भी 70 होगा, चलिए उसको ही प्रूव कर दे। आप चाहें तो अपोजिट एंगल भी लिख सकते हैं, चलिए लिख देते हैं सीधे, एंगल पी इक्वल टू एंगल आर, किस रीजन से, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि आपको शॉर्ट पसंद है ना कि जल्द से जल्द हो जाए, एंगल्स आर इक्वल, तो आपको इतना नहीं करना पड़ेगा। तो एंगल पी कितना है 70 और एंगल आर क्या है y, चलिए y भी आपका फाइंड हो गया, हो गया। और नहीं तो अगर ऐसा करना चाहते तो भी ये दे साइड में हम कर दे रहे हैं, अगर आपको पसंद है तो ठीक है, ये पसंद है एडजेसेंट, 110 प्लस y होगा 180 डिग्री, सो y इक्वल टू 180 माइनस 110, तो y इक्वल टू क्या है 70, ये देखिए सेम है। अब आप इसे अटेंड करना है, इसे अटेंड करना है, आपकी मर्जी है। चलिए x भी हो गया, y भी हो गया और z भी हो गया। अब आते हैं w में, तो w को गौर से देखिए, ये r लाइन को देखिए और ऐसे आया हुआ है, और इसमें कोई नेम दिया है लास्ट में, नहीं दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। ये लाइन को गौर से देखिए, ये लाइन कुछ इस तरह की आई हुई है, यहाँ पे r दिख रहा है, ये देखिए, फिर s दिखा है यहाँ पे, ठीक है, और फिर आगे ये आगे एक एरो दे दिया गया यहाँ पे कि एक लाइन है, आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। अब बताइए इसमें एक लाइन इधर गई है, इस लाइन को भी हम ड्रा कर दिए, बस अब इसके आगे आप डायग्राम को मत देखिए, इस कॉर्नर में कितना है बताइए, 110 है या नहीं, बिल्कुल है, तो ये 110 है, तो ये आपको प्रोटेक्टर टाइप में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, तो ये 110 है, तो ये कितना होगा आप खुद बता दीजिए, 70, और अगर आपको नहीं पता है तो W कर लीजिए। अब आ जाइए आप, नाउ लाइन कौन सा, आर एस, तो हम लिखेंगे फ्रॉम लीनियर पेयर, आप लिख लीजिए लीनियर पेयर, पेयर्स एंगल्स, पेयर एंगल्स, क्योंकि अब इन दोनों को ऐड करेंगे 180 डिग्री होगा, चाहे जितनी भी लाइन निकल जाए 180 डिग्री ही होगा, प्रोटेक्टर में 180 होता है, तो अब आप ऐड कर लीजिए 110 प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 180, सो एंगल डब्ल्यू 110 को ट्रांसफर कर दीजिए, फिर से 70 आया, अरे बहुत सारे 70 आ गए इसमें, तो इस क्वेश्चन में तो हमें सिर्फ 70 ज़्यादातर मिले हैं। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट, अब आता है 7 नंबर, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द शॉर्टर साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम आप बनाए जिसमें एक साइड आप शॉर्टर ले लीजिए और लॉन्गर, श्योर शॉर्टर की बात है तो लॉन्गर तो होगा होगा, तो चलिए एक डायग्राम बनाते हैं, ये हमने एक डायग्राम बनाया और इसे ही लॉन्ग कर लेते हैं, किसी को भी कर लीजिए ऐसा नहीं है, ये हमने एक शॉर्टर कर दिया, ठीक है, ये देखिए शॉर्ट हुआ कि नहीं हुआ, ये भी शॉर्ट है भाई, ये जितना होगा उतना ये होगा। अब यहाँ पे नेम लिख लेते हैं, तो ए बी, अब ए बी आपका लेंथ ज़्यादा है, सी और डी, यानी ए बी और सी डी आपके लॉन्गर हैं और ए डी बी सी शॉर्टर हो गए, इतना क्लियर हो गया। अब जो शॉर्टर साइड है उसका लेंथ 3.6 है, तो ये आपका 3.6 है, तो ये भी 3.6 होगा, क्लियर, तो यहाँ पे लिखते भी चलते हैं तो ज़्यादा बेस्ट होगा, तो यहाँ पे लिखते हैं शॉर्टर साइड ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, क्या है शॉर्टर साइड, ए डी इक्वल टू बी सी इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं लॉन्गर साइड, अब लॉन्गर साइड यहाँ पे क्या है, लॉन्गर साइड इज हाफ एज मच अगेन द शॉर्टर साइड, अब लॉन्गर साइड हाफ नहीं है, ये बोला गया है कि लॉन्गर जो साइड है वो शॉर्टर साइड के हाफ से भी ज्यादा है, ठीक है, मतलब जो लॉन्गर साइड है वो 3.6 तो है लेकिन 3.6 से भी हाफ ज्यादा है, ये कहने का मीन्स है।
मतलब कहने का मीन्स है, अगर हम इसे हिंदी में एक्सप्लेन करें तो कहने का ये मीन्स है कि 3.6 तो है लॉन्गर, लेकिन 3.6 से हाफ और ज्यादा है, ये लिखा हुआ है। लॉन्गर साइड इज हाफ, हाफ किसका, एज मच अगेन द शॉर्टर साइड। तो लॉन्गर क्या हुआ, लॉन्गर आपका ए बी और सी डी है, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी। अब ये है कितने, तो 3.6 तो है भाई शॉर्टर साइड के, तो ये है, लेकिन इसके साथ साथ वो शॉर्टर साइड का हाफ भी है, ये बोला गया है। तो कितना हो गया, 3.6 प्लस 2 से कट कर दीजिए, 2 1 2 वन डिमेंडर 2 8 जा 16, 1.8 8 6 14 रिमाइंडर 1 3 1 4 1 5 5.4 सेंटीमीटर, ये आपका हो गया। इतना क्लियर हुआ। फाइंड द पैरामीटर। अब पैरामीटर का तो कोई फार्मूला होता ही नहीं है, बहुत से बच्चे पैरामीटर का फार्मूला लर्न कर रहे थे, जैसे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। नो, पैरामीटर का कोई फार्मूला नहीं होता। कोई भी पॉलीगन आपके पास है, उसके सभी साइड्स को ऐड कर दीजिए, वही पैरामीटर कहलाता है। क्लियर, चाहे वो सर्कल हो, कोई भी पिक्चर हो, इस यूनिवर्स, इस होल वर्ल्ड में कोई भी पिक्चर हो, उसका पैरामीटर क्या होगा, उसके सभी साइड को ऐड कर दीजिए, पैरामीटर आप पैरेललोग्राम। नहीं, आप सोचेंगे पैरेललोग्राम का पैरामीटर क्या होगा, भाई ऐसा कुछ नहीं है, सभी को ऐड कर दीजिए। अगर आपसे कोई बोले पैरामीटर का फार्मूला क्या है, तो आपको रेक्टेंगल का याद है, रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल का ही तो फार्मूला है, 2 ब्रैकेट L+B। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे, तो भाई ये लेंथ हुआ ना, ये ब्रेथ है मान लेते हैं, तो ये लेंथ L हुआ ना, और ये ब्रेथ, अब सभी को जोड़ना है, ये आपका ब्रेथ और ये आपका लेंथ, तो L कितने बार आया, 2 बार, B कितने बार आया, 2 बार, तो क्या हुआ, 2L+2B, 2 कॉमन हो गया, L+B, ये ले लीजिए। तो ये आप इसे लॉन्गर साइड और शॉर्टर साइड भी लिख सकते हैं। लेंथ आप अगर लेंगे तो 5.4 और ये क्या है, 3.6, सिंपल इसको कर लीजिए, 2 × 6 = 4 = 10 वन रिमाइंडर 5 3 8 1 9 9 2 = 18 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। द रेशियो ऑफ टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम 3:5। क्लियर, ठीक है। और हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किए रेशियो में, हमने कई बार बताया भी कि कभी भी रेशियो आपके पास आए तो तुरंत आप लिख दीजिए लेट द रेशियो, और उसे आप कन्वर्ट कर दीजिए किसी वेरिएबल में, लेट द रेशियो ऑफ साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। भाई साइड की बात है तो साइड की बात है, चलिए एक पैरेललोग्राम छोटा सा बना लेते हैं, ये पैरेललोग्राम हो गया ए बी सी एंड डी, लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है कि साइड कौन सी साइड है ये नहीं पता है, कोई बात नहीं। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, आर 3:5, तो 3x and 5x, सिंपल। अब यहाँ पे देना चाहिए था क्वेश्चन को कि द रेशियो ऑफ टू एडजेसेंट साइड, क्योंकि अगर हम ये साइड और ये साइड तो कभी नहीं हो सकते, नो क्वेश्चन राइट है, क्यों, क्योंकि अगर हम इसे साइड को 3x लिए तो ये 5 तो कभी नहीं होगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो ये 3x है तो डेफिनेटली ये 5x होगा, सिंपल। अब ये 3x है तो प्रॉपर्टी क्या है ये बताइए, वी नो दैट, हम जानते हैं कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये तो प्रॉपर्टी है, तो ये 3x है तो ये 3x होगा, ये 5x है तो ये 5x होगा, और इसका पैरामीटर कितना दिया है, 80 सेंटीमीटर। और अभी हमने आपको क्या बताया, पैरामीटर का कोई फार्मूला होता ही नहीं है, देयर पैरामीटर कितना है, 80 सेंटीमीटर, सबको ऐड कर दीजिए। तो फार्मूला लगाएंगे 2 ब्रैकेट L+B, या सबको ऐड करिए, चलिए इस बार सबको ऐड करते हैं, वो बात उतनी है, 3x कर दिए और 5x, ये 5x इज इक्वल टू 80, 3 × 3 = 6 और 10 = 16 इज इक्वल टू 80,
सो एक्स इक्वल टू 80 अपॉन 16 फाइव जा 80। चलिए एक्स की वैल्यू कितनी हुई 5 सेंटीमीटर। तो ये साइड तो नहीं हुआ, हमें 1/1 निकालना है। तो ए बी इक्वल टू कितना है 3x, 3 5 जा 15 सेंटीमीटर। तो ये हुआ आपका 15 सेंटीमीटर। तो ये 15 है तो ये 15 होगा। अब आते हैं सेकंड, एक और कोई साइड निकाल लीजिए बी सी 5x, तो 5 × 5 5 5 जा 25 सेंटीमीटर। तो ये 25 हुआ तो ये भी 25 हुआ। क्लियर। और क्वेश्चन नंबर 9 सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा इजी सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 9 का। क्यों? क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करना है क्या, पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में तो आप जानते हैं अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो डायग्राम हम नहीं बनाते, इसी के सामने है। तो सिंपल सा आप लिखिए इन पैरेललोग्राम क्या प्रॉपर्टी होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्या होता है अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये इस एक्सरसाइज का सबसे इजी क्वेश्चन है। अब ये इसके इक्वल होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो आप लिखिए ए बी इक्वल टू सी डी। ए बी कितना है 4y-3 इक्वल टू 25। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, अब बताइए कितना इजी होगा। सो 4y इक्वल टू 3 को ट्रांसफर कर दीजिए प्लस 3, कितना आ गया 28। सो y अपॉन 4 कहाँ जाएगा नीचे, 4 7 जा 28। सो y की वैल्यू कितनी आई 7 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए 7 आ गया और वैसे भी क्लियर है, ये 25 है तो ये 25 होगा। रख के देख लीजिए, यहाँ पे अगर हम 7 रखें 7 4 जा 28 और 28 - 3 ये 25। क्लियर हुआ। अब आते हैं इधर का, AD इक्वल टू BC, AD कितना है 3x और इधर कितना है BD 18। तो ये तो क्लियर है 18 है तो ये भी 18 होगा। सॉल्व कर लीजिए, सो x इक्वल टू 18/3 3 6 जा 18। सो x इक्वल टू 6 हो गया, ये कंप्लीट हो गया। है ना सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन नंबर 9। अब आते हैं सेकंड नंबर, सेकंड तो उतना ही इजी है सेकंड भी। क्यों? क्योंकि इसमें डायगोनल्स की बात है और हमने आपको पहले ही वीडियो स्टार्ट करने में बता दिया डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो इन पैरेललोग्राम क्या बोलेंगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब डायगोनल जहां से टूटे हुए होते हैं ये सेंटर पॉइंट से, वो यहां से यहां सभी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें एस क्यू, यहाँ पे ओ ले लेते हैं, तो इसका मीन्स क्या हुआ कि एस क्यू में ओ एस और ओ क्यू बराबर होंगे। ओ क्यू, ओ एस कितना है एक्स माइनस वाई है नहीं, इक्वल टू ओ क्यू कितना है 10। अब इसको स्टॉप कर लेते हैं, वैसे हमें ये वाला करना चाहिए था, बाद में इसको करना चाहिए था, जो हमें दिखा वही कर रहे हैं। दूसरा क्या है ओ पी ओ आर, ओ पी इक्वल टू ओ आर, पहले आप स्टार्टिंग यहीं से करिएगा। ओ पी कितना है एक्स माइनस 7, ओ आर कितना है 5। अब डायग्राम की कोई ज़रूरत नहीं है, अब यहाँ आप सॉल्व कर सकते हैं। एक्स इक्वल टू 7 को ट्रांसफर कर दीजिए प्लस 7, एक्स इक्वल टू 7 5 12, ये फर्स्ट आंसर, और इसको टेक करके फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए इन इक्वेशन फर्स्ट। एक्स की वैल्यू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 10, एक्स की वैल्यू कितनी है 12 - y = 10। बहुत से स्टूडेंट्स एकदम कसम खा के बैठे रहते हैं कि हमको इधर ही वेरिएबल रखना है, ऐसा कुछ नहीं है, आपकी मर्जी, आप किधर भी रख सकते हैं। बोलते हैं ना मतलब कभी वैल्यू फाइंड करना है तो इधर ही होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसी धोखे में हम कई बार माइनस में धोखा खा जाते हैं। अब देखिए वाई के पास कौन साइन है माइनस, अब इधर ही रखेंगे तो पता चला बहुत से स्टूडेंट वाई लिख देते हैं, वो गलत हो जाता है। तो क्यों ना वाई को ही ट्रांसफ़र कर दें, तो ये हमने वाई को ट्रांसफ़र कर दिया। ये देखिए माइनस था उधर गया तो प्लस हो गया, ये राइट साइड है। अब इधर क्या है 12, 10 को इधर ट्रांसफ़र करिए माइनस 10। देखिए कितना इजी वे पे सॉल्व हो गया, ये आपका आंसर है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 10, टू अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। डायग्राम जरूर बनाएं जिससे आपकी हैबिट हमेशा बनी रहे और आपको समझ में आए। ये आपका ए बी सी और डी, इसमें बोला गया है दो अपोजिट एंगल हैं पैरेललोग्राम के, तो चलिए कोई भी ले लेते हैं। डी ले लेते हैं, पहला दिया है 5x-2 degree और दूसरा दिया है 40-x, ठीक है, या अपोजिट एंगल। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, वी नो दैट दैट इन पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अपोजिट एंगल अगर इक्वल होते हैं तो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, सिंपल। अब डी कितना है देखिए, 5x-2 और बी कितना है 40-x। एक्स को एक साइड कर लीजिए, 5x, एक्स को इधर लेके आएंगे तो प्लस एक्स हो जाएगा, 40-2 को ट्रांसफर करेंगे प्लस 2, 5x प्लस x 6x, 42 अपॉन 6, 6 7 जा 42, ये आपका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इज इट पॉसिबल टू हैव अ क्वाड्रिलेटर। क्या ये पॉसिबल है कि एक क्वाड्रिलेटर विच इज नॉट अ पैरेललोग्राम, वो पैरेललोग्राम नहीं है। आपको एक क्वाड्रिलेटर लेना है, वो पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, बट हैज अ पेयर ऑफ इक्वल अपोजिट एंगल। क्या उसमें ऐसा पॉसिबल है कि उसके अपोजिट एंगल इक्वल हो? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेयर ऑफ इक्वल अपोजिट एंगल, जस्टिफाई योर आंसर। तो हम एक काइट ले लेते हैं, ठीक है, यह हमने, तो हम यहाँ पे एक काइट ले लेते हैं तो ज़्यादा बेस्ट है, मतलब उसके पेयर अपोजिट होंगे। तो ये हमने एक ऐसा डायग्राम बनाया जो पैरेललोग्राम नहीं है, ये हमने एक काइट ले लिया, क्लियर। इसे हम नेम दे देते हैं ए डी बी, यानी ए बी सी और डी। अब इसे हम ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ पे ऐसे, ये देखिए इक्वल हो गया, मतलब ये पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, मतलब इसका अपोजिट तो ये होगा, इसका अपोजिट तो ये होगा, लेकिन हमने पेयर अपोजिट लिया, ये इसके इक्वल होता है काइट में और ये इसके इक्वल होता है, सिंपल। और हमें प्रूव करना है क्या ये पॉसिबल है, तो चलिए प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, लेट ए बी सी डी इज अ काइट, और इसकी क्या प्रॉपर्टी है, सच दैट ए डी इज इक्वल टू ए बी, या ए बी इज इक्वल टू ए डी लिख लीजिए, एंड सेकेंड बी सी इज इक्वल टू सी डी, सी डी, ये क्लियर हुआ। अब हमने यहाँ पे ज्वाइन किया कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट हमने किया ज्वाइन क्या बी डी। अब बात करते हैं इजी मेथड से, ये बताइए ये साइड इसकी इक्वल है, बिल्कुल है, तो हम आते हैं इन ट्रेंगल ए डी बी, ए डी इक्वल टू ए बी, तो ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं ट्रेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्रेंगल नहीं कोई भी दो साइड्स इक्वल हैं अपोजिट साइड्स, तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यानी ये एंगल इसके इक्वल होगा, क्लियर। आपने आइसोसेलस में तो ऑलरेडी पढ़ा है, आइसोसेलस प्रॉपर्टी क्या है कि ये दो साइड्स अगर इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसके एंगल बताएंगे, तो ए डी का अपोजिट हमें दिख रहा है ए बी डी, और याद रखिएगा जिस एंगल को कर रहे हैं वो बीच में होना चाहिए, ए बी के सामने क्या है डी, तो डी बीच में होना चाहिए, ए डी बी। अब ये दोनों सेम नहीं दिख रहे हैं, और यहाँ प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब सेम नीचे भी होगा, ऐसा नहीं कि वहीं बस हो, तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, जैसे हमने इसमें किया, आप डाउन साइड ले लीजिए इन ट्रायंगल सी डी बी, इसमें क्या इक्वल है
सी डी इज इक्वल टू बी सी। तो सी डी के अपोजिट क्या है, ये एंगल, तो नाम बोलिए एंगल सी बी डी, ये बीच में आ गया बी, और बी सी का अपोजिट ये एंगल डी, तो आप बोलिए सी डी बी, और इसमें आप क्या लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, क्लियर। अब दोनों एंगल को आप ऐड कर लीजिए, ये सेकंड कर लेते हैं, इसे हम कर लेते हैं फर्स्ट, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों एंगल ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा ए डी सी, सिंपल। तो एंगल फर्स्ट क्या है, ए डी बी, ए सॉरी ए बी डी, ए बी डी, और इधर क्या है एंगल सी बी डी, लेफ्ट लेफ्ट, इधर क्या है ए डी बी प्लस, इधर क्या है सी डी पी। अब आप मैच कर लीजिए डायग्राम से, देखिए ए बी डी, ए बी डी यानी ये एंगल, दूसरा क्या है सी बी डी, सी बी डी, तो यानी ये अगर दोनों को ऐड कर दे तो क्या बन जाएगा ए बी सी, सिंपल। तो इन दोनों को ऐड से क्या बना, एंगल ए बी सी। अब श्योर है कि इधर हम ऐड करेंगे ए डी बी और सी डी बी, तो ये पूरा एंगल कंप्लीट हो जाएगा, तो नाम क्या हो जाएगा ए डी सी, एंगल ए डी सी, यानी ये एंगल इसके अपोजिट हुआ, सिंपल। तो आप यहाँ पे बोल दीजिए यस एंगल्स बिटवीन अनइक्वल साइड्स, अनइक्वल साइड्स आर इक्वल इन अ काइट, ये आपका प्रूव्ड होगा। सो क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11, यस कंप्लीटेड, दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल जयप्रीत प्रिंटिंग क्लासेस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।